कुछ लोग अपना सारा समय सही मौके, सही अवसर और सही काम की तलाश में बिता देते हैं, और जब वो मौका, अवसर, वो सही काम मिलता है तब हम उसे ऐसे ही जाने देते हैं, अपनी आंखों के नीचे से, अपने हाथों के तले से। सीधे शब्दों में कहूँ तो सारा समय तलाश तो हम करते हैं, खोज तो करते हैं सही काम की, लेकिन समय नहीं निकाल पाते उसे करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि सही काम क्या है यह जानने के बावजूद भी उसे ना करना पाप है, और हम सभी लोग इस पाप की वजह से ही गरीबी में हैं। इस गरीबी को आज पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। इस गरीबी, इस दरिद्रता के पेड़ की जड़ें आती हैं बस एक पाप की वजह से, इसी एक पाप की वजह से कि हम करने जैसे सही काम को जान लेने के बाद भी, उसे समझ लेने के बाद भी उसे करने के लिए समय नहीं निकालते। हमारे जीवन की कहानी पेन से नहीं लिखी जाती, जुबानी शब्दों से नहीं लिखी जाती, जीवन की कहानी तो लिखी जाती है हमारे कामों से। और कामों को लेकर हमारा दर्शन कुछ ऐसा है, हमारी धारणा ऐसी है कि कोई काम सही है, कोई इंसान सही है, ये बिल्कुल साफ साफ जान लेने के बाद भी हम उस काम को नहीं करते, उस इंसान को फॉलो नहीं करते, हम नहीं समय निकालते उस काम के लिए, उस इंसान के लिए जिसे हम सही ही नहीं बल्कि बिल्कुल सही मानते हैं। हमारी ये आदत, हमारा ये रवैया हमारी अंदर की बहुत बड़ी कमजोरी को दर्शाता है, हमारे अंदर के खोखलेपन को दर्शाता है, हमारे अंदर छिपे एक कायर और डरपोक किस्म के निकम्मे इंसान को दर्शाता है, जो इतनी कामचोरियत को दिखाता है कि सामने सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसे ना करने का फैसला हमसे करवाता है। हमें अपने अंदर के इस कायर, डरपोक और काम से भागने वाली इस भगोड़ी मानसिकता से लड़ना होगा और इसे जड़ से खींच बाहर निकाल फेंकना होगा। हमें सच्चे सही काम को और सच्चे सही इंसान को अपने अंदर आने का रास्ता देना होगा। यही एकमात्र तरीका है जीवन में सही काम करने का, बड़ा काम करने का और ऊंचा उठने का। सही काम और सही इंसान को वैल्यू देना ही एकमात्र तरीका है। अगर आप उस काम को नहीं करते जिसे दिल से पूरी तरह आपने ठीक जाना है, उस इंसान के जीवन के रंगों से खुद के जीवन को नहीं भर लेते जिस इंसान को आपने सही माना है, वो भी अपनी कसौटी पे कस लेने के बाद, तो सच में हमने अपने जीवन की तरक्की, उन्नति, प्रगति के सारे मार्ग बंद कर लिए हैं। अगर आप वो सही काम नहीं करते, उस सही इंसान का साथ नहीं करते, तो इसका मतलब आप उस काम पे और उस इंसान पे विश्वास ही नहीं करते, और जिस काम और इंसान पर आप विश्वास ही नहीं करते फिर कैसे उसे सही भी कह लेते हो? और अगर सही ही कह लिया तो फिर उस काम और इंसान दोनों का साथ करने जैसा है। हमें इस दोगले और अपनी सफलता के बीच आड़े आने वाले घटिया विचार, इस घटिया दोहरी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना होगा, तब जाके कामयाबी और उससे भी बड़ी बात आत्म संतुष्टि हमें मिल पाएगी।